हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सैफ ट्रेड्स। और अभी मैं देखने वाला कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कैसा ट्रेड हुआ और कल हम लोग इसमें कैसा ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग अच्छा सा एनालिसिस समझ में आएगा। तो ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है अपने सेटअप का। जी, मेरा ट्रेड सेटअप था, एक निफ्टी में सेटअप मैंने ट्रेड था और एक बैंक निफ्टी में अच्छा सा ट्रेड मिला था, हमें दोनों ही सेल साइड का ट्रेड मिला था। तो कैसे कैसे क्या क्या सेटअप हुआ है आप लोग सामने आराम से इजी पढ़ सकते हैं। ये मैंने रील बनाने के लिए यहाँ पे किया था इंस्टाग्राम पे, मेरा आईडी इंस्टाग्राम पर आईडी डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो सिंपल से देखिए, हमारे पास ये लेवल्स था, मार्केट इस लेवल के ऊपर खुला था और ये फेक ब्रेकआउट हुआ था, तो मार्केट वापस से नीचे आ गया था। यहाँ पे हमारा क्लोजिंग कैंडल था, इसी का वापस ब्रेकडाउन दे करके निफ्टी ने रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट देने के बाद वापस यहाँ पे हमें एक और रीटेस्ट मिला है और यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया था सेल साइड के लिए। टारगेट हमारा यहाँ पे था, टारगेट यहाँ पे क्यों था वो देखिए, 15 में टाइम फ्रेम आइएगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना था क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मिला था प्राइस को, तो हम लोगों ने इसी को टारगेट यहाँ पे रख लिया था। बट मार्केट यहाँ से और फॉल हुआ था, बट हमारा यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन चुका था। और देखते हैं कि हम लोग कल इसमें कैसा ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या हमारा लेवल्स रहेगा वो देख लेते हैं। हम लोग सारा लेवल्स हटा देते हैं, मेन मेन जो लेवल है उसे छोड़ करके बाकी सारा लेवल हमने हटा दिया है और 1 आवर टाइम फ्रेम पा जाते हैं और वहाँ पे हम लोग अच्छा से देख पाएंगे कि मार्केट में क्या क्या हुआ है और क्या क्या लेवल्स निकल रहे हैं। आज वाईफाई बहुत परेशान किया है, नेट बहुत परेशान किया है लाइव स्ट्रीम में, यहाँ भी देख रहे हैं आप कितना स्लो नेट काम कर रहा है। तो हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखिए ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का लेवल है, हम लोग अभी सारा अपना लेवल डिलीट कर लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या दिख रहा है वो पहले देख लेते हैं। मार्केट में कहाँ पर बाइंग आया था, मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है वो भी डेली टाइम फ्रेम में बहुत ईजिली हम लोग को दिख रहा है। तो ये हमारा अभी मार्केट का सपोर्ट एरिया है, लाइन चार्ट भी हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा शो कर रहा है। तो ये हमारा मार्केट का सपोर्ट एरिया है, हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं और हमारा जो सपोर्ट का एरिया है मार्केट यहाँ पे आकर के होल्ड किया है। अब हम लोग यहाँ से सेलिंग साइड जाएंगे या फिर बाइंग साइड जाएंगे वो हम लोगों को डिसाइड कब करना है, जब ये लेवल ब्रेक होगा तब, ठीक है। और हमारे पास नीचे पहले सेल साइड का लेवल लगा लेते हैं, अगर मार्केट सेलिंग करते हैं हम लोग तो हम लोगों का टारगेट क्या क्या हो सकता है वो लगा लेते हैं। देखिए ये सब हमारा टारगेट सेल साइड के लिए है, अगर कहीं भी गैप अप सॉरी अगर कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही अच्छा सेलिंग आया है तो हम लोग गैप डाउन का ही सोच सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गैप डाउन मार्केट हो सकता है। तो अगर कहीं भी इस लेवल के आसपास गैप डाउन होता है देन ये सारे लेवल सपोर्ट की तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं कि हम लोग बाइंग कैसे देख सकते हैं वो देख लीजिए। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, अब हम लोग बाइंग हम लोग देखेंगे इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस ने बहुत ही अच्छा होल्ड करके फिर इसने ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे लगभग 1, 2, 3, 4 कैंडल मतलब 1 घंटे के आसपास प्राइस यहाँ पे होल्ड किया था इस लेवल पे एंड देन हमें सेलिंग देखने को मिला था। तो इस लेवल के ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं अगर इनकेस गैप अप ओपन होता है तो, और टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकेंड टारगेट हमारे ये रहेंगे। हम लोग इसे भी लेवल मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग अभी तक नहीं दी है। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस हो गया। तो लेवल सारा निफ्टी का आपके सामने है, कैसे ट्रेड करना है आप लोगों को, आप लोगों को पता है लेवल्स, आप लोगों को कैसा ट्रेड करना है वो आप लोग सब जानते हैं। कंसोलिडेशन के बाद ही हमें ट्रेड करना है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पे हमें एंट्री करना है। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया, निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में, क्या बैंक निफ्टी में आज कैसा ट्रेड हुआ है, हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ भी मैंने लगा रखा है क्योंकि मैंने इसका भी रील बना करके अपलोड किया था और यूट्यूब पर शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया है, तो इसमें भी सारा लेवल बहुत अच्छे से वर्क हुआ। सबसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फेक ब्रेकआउट था एंड देन यहाँ पे फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। हमारे जो सपोर्ट था क्लोजिंग कैंडल उसके नीचे प्राइस आ चुका है, रीटेस्ट पे हमने एंट्री किया, स्टॉप लॉस हमारा ये स्विंग के ऊपर था, टारगेट हमारा ये लेवल था, रिस्क रिवॉर्ड हमें 2 मिल चुका है बहुत ही ईजी। नीचे हमारा जो और सेलिंग आया है वहाँ पे देखिए सेलिंग आप कैसे कर सकते थे अगर इसमें भी हमें ट्रेड मिला था, बस इसमें मैंने ट्रेड नहीं किया था, बट इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखिए। ये हमारा लेवल था, यहाँ देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे होल्ड किया है, ये देखिए प्राइस यहाँ पे होल्ड करके गिरा है। तो हम लोग इसमें यहाँ पर सेलिंग का लगा करके स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रिस्क रिवॉर्ड 2 हम लोग यहाँ से इजी प्रोजेक्ट कर सकते हैं और हमारा रिस्क रिवॉर्ड 2 यहाँ मिल चुका था। बहुत अच्छा पॉइंट इसे मिला है, 287 पॉइंट यहाँ पे है एंड 242 पॉइंट यहाँ पे, जो कि आज बहुत ही अच्छा हमें सेलिंग का टारगेट मिला है। तो आइए देख लेते हैं कल के लिए हमारे पास क्या क्या लेवल्स है बैंक निफ्टी में।
ये सारे लेवल्स पहले डिलीट कर लेते हैं, देन हमें इजी होगा लेवल्स निकालने में। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जो पहले एक रेंज में था, ये बैंक निफ्टी का रेंज था, उसने बैंक निफ्टी ने आज उसे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी का हमारा ये रेंज था, बैंक निफ्टी ने इसे ब्रेक कर दिया है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर जाएंगे या 15 मिनट, 5 मिनट पर आते हैं हम लोग, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्या किया है। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी ने इस लेवल का ब्रेक डाउन दे करके यहाँ पर रिटेस्ट कम्प्लीट कर लिया है। तो अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल के आसपास ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, देन हम लोग बैंक निफ्टी में फिर से सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा, 43,182 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सेल साइड के लिए, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है। या फिर यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो, देन हम लोगों का बहुत ही अच्छा सेल साइड का ट्रेड मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा बैंक निफ्टी का सेलिंग के लिए आपको 42,365 का आ जाएगा, और सेकेंड टारगेट के लिए हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। पहले सेकेंड टारगेट हमारा सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी में आ जाएगा आपको 42,200, ये सब हमारा सेलिंग का टारगेट है, देख सकते हैं आप। और बाइंग हमें कब करना है बैंक निफ्टी, बाइंग का भी लेवल्स में दिखा देता हूँ। देखिए बाइंग हमें तभी जाना है जब बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ओपन हो, जो कि काफ़ी बड़ा लेवल है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लगभग 400 पॉइंट्स का ये लेवल है। तो इसके ऊपर जब प्राइस जाता है तभी हम लोगों को बाइंग साइड जाना है। एंड सेलिंग के लिए बेटर ये रहेगा कि या तो यहाँ पे ओपन हो या फिर यहाँ ओपन हो करके आज का जो क्लोजिंग कैंडल है उसको नीचे निकालता है, देन हम लोग सेलिंग साइड जा सकते हैं, और टारगेट हमारा ये सब है। तो आई होप एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।